हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 21 को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि हमारे फाइल में हमको एक्टिविटी नंबर 21 कैसे नोट करना है। नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव हमको दिया गया है टू वेरीफाई दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल यूजिंग वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड को यूज करते हुए हमें बताना है कि हमारे पास जो सेमी सर्कल में एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। ओके, यहाँ पर मटेरियल रिक्वायर्ड दिया गया है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओके, लाइक आपने कोई आर्ट एंड क्राफ्ट या ग्राफ पेपर पर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसमें यूज होने वाले जो जो आइटम्स हैं, क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं, आप वो यहाँ सारे के सारे यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। नाउ फिर आता है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, आपको इस फिगर को क्या करना है, ऐसे ही एक फिगर को आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। ओके, आप कार्डबोर्ड पर भी बना सकते हैं कि आपके पास ये जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि साइज आप ग्राफ पेपर या कार्डबोर्ड का क्या ले रहे हैं, ओके, एंड उसके पॉइंट्स को किस तरह से लोकेट कर रहे हैं ग्राफ पर, तो ये सारे के सारे जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इस ये जो डायग्राम में जो दिख रहा है, इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपने जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं वो सारे के सारे स्टेप्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना होगा डेमोन्स्ट्रेशन, तो चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की ओर। नाउ सो डेमोन्स्ट्रेशन में यूजिंग अ प्रोटेक्टर मेजर द एंगल बिटवीन वेक्टर ए पी, यहाँ पर देख सकते हैं ए एंड पी लाइन जो है, और पी और बी के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा क्या है होना चाहिए 90 डिग्री, ये हम मेजर करेंगे। ओके, सिमिलरली द एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्यू एंड बी क्यू के बीच में प्रोटेक्टर से हम मेजर करेंगे कि जो ये एंगल बन रहे होंगे वो एंगल कैसे होंगे 90 डिग्री। ओके, रिपीट दिस प्रोसेस बाय टेकिंग सम मोर पॉइंट्स ऑन द सर्कल इन साइड द सेमी सर्कल, यहाँ पर हम कुछ और भी पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। नाउ जैसे कि आप यहाँ पर पॉइंट पी क्यू हो गया, यहाँ पर आप पॉइंट आर बना सकते हैं, आर पॉइंट एस टी। ओके, सो देयर आर सम पॉइंट्स जो जिस पर आप डिफरेंट टाइप्स से मेजर कर सकते हैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा लाइन बना देता हूँ कि आप इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हैं और इसको आप कई सारे पॉइंट्स को लेकर के आप मेजर करेंगे तो एंगल कितना आना चाहिए, दिस एंगल यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये एंगल आना चाहिए आपका 90 डिग्री। ओके, चलते हैं कंप्लीट ऑब्जर्वेशन की ओर, जिसमें मैं आपको पूरी ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसको इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना है। तो ऑब्जर्वेशन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने एक ग्राफ पर एक सर्कल जो है वो प्लॉट किया हुआ है। ओके, ये जो है ये इसको मैं ओरिजिन पर ले लेता हूँ। ओके, सो दिस इज ओरिजिन। ओके, एंड ये जो पॉइंट यहाँ पर मैं एक पॉइंट है इसको मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, तो लेट मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है ए, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये मेरा बी है और ये मेरा पॉइंट सी है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ 2 रेडियस का सर्कल, सो दिस इज -2, 0। ओके, एंड दिस इज 2, 0। एंड अगर मैं कोई इसको मैं सी ना बोल करके अगर मैं इसको बोल देता हूँ पी मानता हूँ, इसको मैं पी पॉइंट मानता हूँ, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ तो 0, 2। ओके, सो दीस आर द पॉइंट्स, ओके, ऑन द सर्कल। नाउ तो अभी अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे मैच करूं ए टू पी एंड पी टू बी, ओके, सो दिस इज ये जो बन गया है ये सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल ट्राइंगल बन रहा है और मुझे ये प्रूफ करना है हमको कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ये हमारा राइट एंगल है यूजिंग वेक्टर मेथड। ओके, using vector method, okay, so हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे AP find करनी है, मुझे find करना है AP, तो AP vector जो मुझे find करना है, तो AP vector मेरा कैसे होगा, P minus A vector, okay, P क्या है मेरा, P को मैं vector के ये जो मेरे पास point के coordinates हैं, okay, मैं इनको क्या करूँगा, इनको मैं vector form में कर लेता हूँ, that means 0i plus 2j एंड प्लस 0k, ओके,
सो फर्स्ट ये आ गया एंड माइनस, अगर मैं इसको लिखूं ए को, तो ए मेरा क्या है माइनस टू आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ओके। तो ये आ गया, अगर मैं इसका फाइनल देखूं एपी वेक्टर, तो एपी वेक्टर मेरा क्या आ गया है, एपी वेक्टर आ जाएगा मेरा माइनस टू आई प्लस टू जे प्लस जीरो के। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एपी वेक्टर देखूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एपी वेक्टर मेरा कितना आने वाला है, ये आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो का होल स्क्वायर, ओके। सो फाइनली ये मेरा आ जाने वाला है अंडर रूट ऑफ फोर प्लस फोर, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एट, ओके। ये मेरा यहाँ पर आ जाने वाला है। नाउ नाउ स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारा बीपी वेक्टर, ओके। सो बीपी वेक्टर हमको फाइंड करना है, बीपी वेक्टर क्या होगा पी माइनस ए, ओके। पी वेक्टर अगेन मेरा क्या है, वही जीरो आई प्लस टू जे प्लस जीरो के, ओके। एंड अगर ए वेक्टर देखूं, सॉरी दिस इज नॉट ए, दिस इज बी वेक्टर, ओके। सो पी माइनस बी, ओके। सो पी माइनस वी वेक्टर मेरा कितना है, वी वेक्टर है मेरा टू आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के। अगर मैं माइनस करके लिखूं, एक साथ लिखूं, तो फाइनली मुझे कितना मिलने वाला है, ये भी मुझे माइनस टू आई, वन मिनट दिस इज प्लस, ओके। माइनस माइनस दिस इज प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस, बट आंसर दिस इज करेक्ट, ओके। नाउ सो नाउ टू माइनस टू आई एंड प्लस टू जे प्लस जीरो के। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा टू का स्क्वायर, ओके, प्लस टू का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, ओके। नाउ कितना आने वाला है, अंडर रूट ऑफ फोर प्लस फोर, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ एट, ओके। अगर मैं माइनस टू का स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि माइनस टू का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर, आप इतना तो समझ सकते हैं, ओके। इसको मैं माइनस टू का स्क्वायर कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ओके, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अभी अगर मैं फाइनली देखूं, अगर मैं अब तो मेरे पास क्या है एपी वेक्टर, ए टू पी वेक्टर मेरे पास है एंड बी टू पी वेक्टर मेरे पास है। नाउ अभी अगर मैं एपी वेक्टर और फाइंड कर लेता हूं, तो एपी वेक्टर और स्टार्ट करते हैं, ए नॉट एपी, ए बी वेक्टर फाइंड कर लेता हूं। तो ए बी वेक्टर के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इससे क्या रहेगा कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आता रहेगा। ए टू बी वेक्टर अगर मैं फाइंड कर रहा हूं, दैट मींस क्या होने वाला है, बी माइनस ए, ओके। सो बी वेक्टर इज और टू आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ओके, एंड माइनस माइनस ए वेक्टर कितना है, माइनस टू आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ओके। नाउ अगर मैं माइनस करके लिखता हूं, तो ये मेरा फाइनली हो जाने वाला है माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज फोर आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, ओके। नाउ अगर मैं अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, तो क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ फोर का स्क्वायर, ओके। नाउ अंडर रूट ऑफ फोर का स्क्वायर, दैट मींस ये मेरे पास फोर ही आने वाला है, ओके, क्यों, क्योंकि यहां पर जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर फोर है। नाउ वी नो दैट, नाउ सो वी नो दैट ओके। नाउ वी नो दैट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है, ये हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर एंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो हाइपोटेनियस इज और क्या है, ए बी का स्क्वायर, ओके, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ए पी का स्क्वायर और प्लस हाउ मच, बी पी,
बीपी का स्क्वायर। ओके, तो इससे क्या मिलेगा हमें, ए बी अब हमारा कितना है, ए बी हमारा ये रहा, ए बी हमारा ये रहा अंडर रूट एट। सो नाउ अंडर रूट एट का स्क्वायर, ओके अंडर रूट एट स्क्वायर प्लस दिस इज ऑल्सो अगेन अंडर रूट एट, सो नाउ अगेन अंडर रूट एट का स्क्वायर, ओके एंड ए बी, ए बी इज फोर, सो ये कितना आया मेरा फोर का स्क्वायर। ओके, सो फाइनली अगर मैं इसको नोट करना चाहूं तो ये देखिए नाउ, तो आप देख सकते हैं फोर का स्क्वायर दैट मीन्स दिस इज 16, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, यहां पर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल एंड 8 प्लस 8 दिस इज ऑल्सो 16। ओके, तो ये क्या है, ये मैंने प्रूफ कर दिया है कि वेक्टर मेथड से भी आप किसी भी ये जो ट्राइंगल में वेक्टर मेथड से मैंने प्रूफ कर दिया है कि ये जो आपका ट्राइंगल हम सेमी सर्कल में कोई भी कंसीडर कर रहे हैं, अगर पॉइंट सेमी सर्कल का कोई भी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। नाउ जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया, आप चाहें तो आप यहाँ पर, मैंने पी पॉइंट ओनली कंसीडर किया था, आप यहाँ पर क्यू पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर आप आर पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, और ग्राफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ये जो कोऑर्डिनेट हैं ग्राफ की हेल्प से आपको इजीली पता चल जाएंगे कि क्या कोऑर्डिनेट हैं इसके, और यहाँ से यहाँ पर आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके इजीली मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस इसकी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर